बच्चों कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज आपके लिए लेके आए हैं कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट और मास। बच्चों मोल कंसेप्ट में अक्सर बच्चों को एक दिक्कत आती है जो वो बताते नहीं है, हेजिटेट करते हैं। टीचर क्या बोलेगा, मेरा फ्रेंड क्या सोचेगा, सर भूल जाओ, डोंट केयर अबाउट देम, उनका चिंता छोड़िए, हमको नहीं आता है, ये चिंता करने का इश्यू है, इसको सोचिए कि हमको क्यों नहीं आता है और ये हमको आना चाहिए। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको प्रॉब्लम आता है मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करने में। तो आइए सीखते हैं कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सब्सटेंस। Sum of atomic mass of all the atoms present in a molecule of the substance is called molecular weight or mass। बच्चों डेफिनेशन से पता चल रहा है कि किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट एटम्स के एटॉमिक मास का सम कहलाता है मॉलिक्यूलर वेट और मोलर मास। फॉर्मूला यूनिट मास इज द सम ऑफ मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के एक फॉर्मूला यूनिट में प्रेजेंट ऑल एटम्स का एटॉमिक मास का जो टोटल होगा वो सिंपली कहलाता है फॉर्मूला यूनिट। दोनों एक ही है। जब हम लोग किसी फॉर्मूला यूनिट के लिए बात करते हैं तो ये फॉर्मूला मास कहलाता है, और जब मॉलिक्यूल के लिए बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। दिक्कत तो नहीं है, सिंपल है सर। आगे बढ़ते हैं, अब यहां पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, एग्जाम्पल लिए हुए हैं। आइए फाइंड मोलर मास ऑफ CaCO3, इसको मार्बल भी बोलते हैं, याद रखिए, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एसिटिक एसिड, बच्चों इसके एसिटिक एसिड के डाइल्यूट सॉल्यूशन को विनेगर भी बोलते हैं, चाउमीन में खाते हैं आप लोग, फास्ट फूड में। हाँ जी, अगला है अमोनियम कार्बोनेट वाटर NaCl कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन सबका आपको मोलर मास निकालना है और कमेंट सेक्शन में हमको आंसर भेजना है कल शाम तक। ये आपको क्लियर है बच्चों। आइए फिर बात करते हैं, सर यहाँ पे मोलर मास ऑफ CaCO3 कैलकुलेट किया हुआ है। आपको पता है कि मोलर मास को या एटमिक मास को एम से दिखाते हैं, ये मॉलिक्यूल है तो उसको बोलेंगे मोलर मास ऑफ CaCO3। CaCO3 सबस्क्रिप्ट में नीचे की तरफ लिखा जाता है, ये शॉर्ट में लिखा जाता है ऐसे। तो ये हुआ मोलर मास ऑफ CaCO3। सर CaCO3 को आप ध्यान से देखें, अगर आप बोले तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं CaCO3। बच्चों मैंने यहां पे आपको नंबर ऑफ एटम्स को शो करने के लिए ऐसा लिखा हुआ है, वन को नहीं लिखा जाता है किसी फॉर्मूले में, वो अंडरस्टूड होता है। ये एटम का नंबर वन है, कार्बन एटम का नंबर वन है, ओ का एटम नंबर थ्री है, जब इसको कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, CaCO3। वन नहीं लिखा जाता है पर ये वन होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए मुझे CaCO3 का मोलर मास निकालना है, यानी इस मॉलिक्यूल का मास निकालना है। तो इस एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है, तो आप देख पा रहे हैं CA का वन एटम है, कार्बन का वन एटम है, लेकिन ओ के तीन एटम है। तो सर इन सारे एटम्स का एटॉमिक मास का टोटल करते हैं। आइए तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम में मल्टीप्लाई किया वन का, क्यों, क्योंकि कैल्शियम एटम का नंबर वन है, प्लस किया सर क्योंकि हमको टोटल निकालना है। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इनटू वन, वन क्यों किया सर, क्योंकि यहां पे कार्बन का नंबर भी वन है। चलिए सर थर्ड एटम कौन सा है, ओ है, तो उसको एटॉमिक मास निकालते हैं और प्लस कर देंगे, तो प्लस एटॉमिक मास ऑफ ओ इनटू थ्री। आपको पता है कि कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ओ का एटॉमिक मास 16 होता है, और ये इनके नंबर है, तो मल्टीप्लाई किया 1 × 40, 1 × 12 एंड 3 × 16, तो ये सम आ गया सर कितना, इट इज इक्वल टू 100। क्लियर है, यूनिट क्या होगी, यू, यूनिफाइड मास। बच्चों एटॉमिक मास का यूनिट जो होता है वो यूनिफाइड मास यू से दिखाते हैं, पहले AMU से दिखाते थे, आजकल यू से दिखाते हैं। तो आपने देखा कि हमने CaCO3 का मोलर मास निकाला, कैसे निकाला, CaCO3 के अंदर प्रेजेंट कैल्शियम एटम, कार्बन एटम और ओ एटम्स का एटॉमिक मास का सम कर दिया, दैट इज सिंपली नोन एज मोलर मास ऑफ CaCO3। बच्चों एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इस बार निकालते हैं बच्चों मोलर मास ऑफ वाटर।
बच्चों मुझे मोलर मास ऑफ वाटर निकालना है, तो आप ही मुझे ये बता दीजिए कि मोलर मास ऑफ वाटर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। सर आप देखिए, वाटर कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के दो एटम है, ओ का वन एटम है, इन एटम का एटॉमिक मास का सम सिंपली हमको करना है। तो आइए करते हैं, टू टू क्यों किया, क्योंकि सर हम लोग एच का देख रहे हैं नंबर दो है, टू इंटू एटोमिक मास ऑफ एच एटम, क्या ये क्लियर है आपको, प्लस यही नीचे कर देता हूं बच्चों। बोलो क्या करूंगा, ओ का नंबर कितना है सर, वन है, वन लिखा नहीं जाता है, तो वन इंटू एटोमिक मास ऑफ ओ एटम। बच्चों अब इनका सम करते हैं, आपको पता है कि एटॉमिक मास ऑफ एच एटम वन होता है, तो क्या होगा बच्चों, टू इंटू वन प्लस, आपको पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, तो क्या करेंगे सर, वन इंटू 16। ये देखिए बच्चों, ये हमने क्या किया सर, हम लोग एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में उसके एटम एच और ओ का एटॉमिक मास का सम कर रहे हैं, तो बच्चों कितना आएगा, 18 यूनिफाइड मास, 18 यू आया। क्लीन क्या है सर, ये है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भैया H2O का फॉर्मूला मास क्या होगा, तो सर वो भी 18 ही होगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब आपको ध्यान है, ये जो बाकी क्वेश्चन बचे हुए हैं इनका मोलर मास निकालना, कमेंट सेक्शन में मैं आपका वेट कर रहा हूं, जल्दी से आंसर भेजिए निकाल के इनके मॉलिक्यूलर वेट का।